संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के बेटे गालिब गुरु ने हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की है। परीक्षा का आयोजन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने करवाया था और गुरुवार को परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। गालिब को परीक्षा में 88.2% अंक हासिल हुए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले अधिक है। सोशल मीडिया पर 17 वर्षीय गालिब के लिए बधाइयों का तांता लग गया है। बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में स्थित उसके घर पर दोस्तों और परिजनों की कतारें लग गई है और लोग लगातार गालिब को बधाई दे रहे हैं। विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता सरा आयाद ने एक ट्वीट में कहा, बढ़िया अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए गालिब अफजल गुरु को बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। गालिब गुरु ने जम्मू कश्मीर बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में 95% नंबर हासिल किए थे। बोर्ड की ओर से जारी नतीजों में उसने 500 में से 475 अंक हासिल किए थे। गालिब ने अंग्रेजी, मैथ, सोशल साइंस और उर्दू से परीक्षा दी थी। उसे सभी विषयों में A1 ग्रेड मिले। हालांकि इस परीक्षा का टॉपर तांबिश मंजूर है, जिसने 99.6% नंबर हासिल किए थे। आपको बता दें कि अफजल गुरु को फांसी के बाद उनकी पत्नी तबसुम ने कहा था कि अब हमारा परिवार शांति के साथ बाकी ज़िंदगी जीना चाहता है। उस समय छोटे से गालिब ने कहा था वह डॉक्टर बनना चाहता है। उसने बताया था कि जब वह तिहाड़ जेल में अपने पिता से मिलने गया था, तब उन्होंने उसे साइंस की किताब और एक पेन दिया था। उत्तरी कश्मीर में सोपोर में रहने वाले गालिब गुरु की मां तबसुम ने उसकी पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं रखी। बताया जाता है कि वह चाहती है कि गालिब एक अच्छा इंसान बन नाम रोशन करे। उसके पिता अफजल गुरु ने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ सिविल सर्विस की तैयारी की थी। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janpahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।